गुड इवनिंग। एक बार 6:30 आ जाए, उसके बाद क्लास अब करेंगे। ठीक है, नमस्ते रामलखन। तो आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट टॉपिक्स को कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से कल हम लोग यूनिट 5 करेंगे। ठीक है, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसमें कुछ थिंकर्स ने अपनी राय रखी है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा वेट कर लेते हैं सबके लिए, एक बार सब लोग ज्वाइन कर जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बताइए, सब पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना मैंडेटरी है। उसके बाद जो हम लोग को टाइम मिलेगा ना, उसमें जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मॉक टेस्ट आप लोग लगाओगे, उसके बाद आप लोग को एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट क्या है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हर तरह के क्वेश्चंस आसानी से बना लेगा। सत श्री अकाल। कैसे हो आप? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? गुड। चलिए, तो बच्चे जुड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अब वो लोग लेट कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ये एक थिंकर हैं, चेस्टर बर्नेट। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस पे हम लोग को पढ़ना है। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन पेपर में चेस्टर बर्नेट को प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने जो दिया है उसके लिए ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में ना रहे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे वो जुड़ते हुए जाएंगे। आप लोग एक बार अपना चैट अब ऑफ कर लीजिए। जब कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूंगी, तो आप बताइएगा। चेस्टर बर्नेट एक प्रमुख प्रबंधक सिद्धांतकार ने अपने महत्वपूर्ण काम द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो 1938 में प्रकाशित हुआ है के माध्यम से संगठनात्मक संचार के समझ को क्रांतिकारी इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का क्या नाम था? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इन्होंने ये बुक को 1938 में पब्लिश किया था, और इस बुक में ये क्या कर रहे थे, संगठनात्मक संचार का समझ में ये क्रांतिकारी उसको बना रहे थे। चेस्टर बर्नार्ड ए लीडिंग मैनेजमेंट थ्योरिस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन थ्रू हिज सेमिनल वर्क। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। उनका सिद्धांत आज के प्रबंधक अभ्यासों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये चीज एकदम नॉर्मल है, हम लोग किसी भी थिंकर्स को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आज भी ठीक है
हमारे जीवन से रिलेट कर पाते हैं। हिज थ्योरीज इन्फ्लुएंस्ड टुडे मैनेजमेंट पार्टीज। तो ठीक है, तो देखिए, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर जोन, सीमा क्षेत्र। तो इस पे इनकी क्या राय थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सीमा क्षेत्र की अवधारणा, बर्नर्ड ने सीमा क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की जो कर्मचारियों के कार्यों या निर्णयों की विभिन्नता को स्वीकार किए बिना प्रबंधन की अधिकार की प्रश्नचिन्ह नहीं करेगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले देखिए कि इन्होंने बहुत सी अवधारणा दी है और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ही अभी तक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग को इनमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर जोन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, विच वुड नॉट क्वेश्चन टू अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट विदाउट एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ एक्शन एंड डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें ये बोल रहा है कि आप जो कर्मचारियों का जो निर्णय होता है, ठीक है, जो भी इम्प्लॉयज अपने कार्य के लिए निर्णय लेते हैं उसको क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, ठीक है, बिना किसी भी प्रश्न चिन्ह के। क्योंकि क्या होगा, तभी जाके कोई भी इम्प्लॉय अपने कार्य अच्छे से करेगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल दिया गया कि सीमा क्षेत्र को एक तरह से बढ़ाया जाए वर्क पे, ठीक है, उनको कोई भी तरह की रोक टोक ना की जाए। इस तरह की ये बातें करते थे, ये अवधारणा उससे रिलेट करता है। इस अवधारणा ने प्रभावी संचार की महत्व और प्रस्तुत किए जो इस क्षेत्र के अंदर आता है, साफ समझने योग्य और स्वीकृति की और शासन करता है। इसमें ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन को बताया है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आप सीमा क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट कम्स विद दिस एरिया, एसरिंग क्लियरिटी, अनस्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। आपको कभी जो भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, अगर कोई कार्य करते हैं तो उनको उन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और बातें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने जोड़ दिया है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी सामने, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो आपके गोल को अचीव करने के लिए परेशानी का कारण है। क्लियर? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं कंपनीज को, ठीक है, जो साथ में काम करते हैं वो एक दूसरे से बताते हैं कि ये चीजें कंपनी के लिए अच्छी और ये चीजें नहीं है। क्लियर है? फटाफट बताइए। इस क्षेत्र का सम्मान करके प्रबंधक संगठन के भीतर सहयोग, समन्वय और प्रयासों की समझदारी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि क्षेत्र, अब देखिए सीमा क्षेत्र को बढ़ाने की बात कर रहा है तो लोगों के अंदर क्या होगा, सम्मान होगा, सहयोग की भावना होगी और समझदारी का प्रयास होगा कि आप किसी भी चीजों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, ना कि उसके बारे में आप उस चीजों को उलझाइए। बाय रिस्पेक्टिंग द एरियाज ऑफ मैनेजर्स कैन बी इनहेल कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग द एफर्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ये सारी चीज कौन करेगा, मैनेजर के
थ्रू होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्कर अपने से ऊपर जो भी स्टाफ होता है उसी के पास जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं से अपनी परेशानियां बताते हैं, या फिर अगर वो किसी कंपनी में कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी अपने सीनियर से बताते हैं। अगर सीनियर ही बोल देगा कि नहीं आपको नहीं करना, तो वो चीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो सीनियर के ही पास रहता है, जो मैनेजर है उसी के पास रहता है कि वो कितना कोऑर्डिनेशन बना सकता है, ठीक है। दूसरा आया टिपिकल 3T एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, प्रारूपिक, प्राधिकरण और अनौपचारिक संचार नेटवर्क, ठीक है, जो इनफॉर्मल, एक तो फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है। तो बर्नार्ड ने संगठनात्मक संचार की दुगनी प्रकृति को मान्यता दी, जिसमें प्रारूपिक प्राधिकरण के प्रमुख स्रोतों के साथ अनौपचारिक नेटवर्क शामिल होते हैं। टिपिकल अथॉरिटी एंड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, बर्नार्ड रिकॉग्नाइज दैट टू फोल्ड नेटवर्क नेचुरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इन विच टिपिकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंक्लूड की सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो टिपिकल अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होता है, कभी कभी आपको इनफॉर्मल नेटवर्क्स का भी यूज करना चाहिए, उस सोर्स होता है, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी में आप हमेशा फॉर्मल वे से ही नहीं जा सकते हो। और आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए कि आप कोई जेआरएफ में, ठीक है, आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे कि थीसिस में आपके सामने हेल्प करेंगे, कुछ लोग होंगे वो साइड हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल वे होता है किसी भी कार्य को करने का, एक फॉर्मल वे होता है, जबकि प्रारूपिक परिधकन संचरण, सॉरी, संरचना और दिशा को प्रदान करता है। औपचारिक संचार नेटवर्क सूचना, विचार और प्रतिक्रिया का प्रभाव सुनिश्चित करता है, ठीक है, सूचना, ठीक है, इन्फॉर्म, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आइडियाज होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वो किस में आते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, और ठीक है, और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दोनों अलग अलग चीज इसमें डिफाइन कर दी है, ठीक है। एक क्या है, फॉर्मल है, वो क्या करता है, आपको स्ट्रक्चर और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा इनफॉर्मल है, तो वो क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आइडियाज प्रोवाइड करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा, दोनों डिफरेंट है। बर्नार्ड ने प्रारूपिक और अनौपचारिक संचार के बीच में संतुलन की बढ़ावा दिया किया ताकि संगठनों में सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। अब देखिए, इनका एक चीज डिफरेंट था, ठीक है, तो डिफरेंट क्या था कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने या तो फॉर्मल को बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, या तो इनफॉर्मल को बोला है, ठीक है, इनफॉर्मल को बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि दोनों में हम लोग को क्या बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है। तभी क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, डेवलप्ड करेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ इनका थॉट्स था। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस थिंकर्स ने, और थिंकर का नाम दे देगा और आपको ये स्टेटमेंट दे देगा कि कौन से ऐसे थिंकर है जिन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या किया है, कोलैबोरेशन की बात की है, ठीक है। अब आया तीसरा, कार्यकारी, कार्य और नेतृत्व। अब यहां तक क्लियर है,
यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखिए, इन्होंने बुक ही लिखी थी एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, कार्यकारी कार्य पे, तो इसके बारे में तो ये बातें करेंगे ही। तो इन्होंने नेतृत्व पे बात की है और कार्यकारी कार्य बात की है। तो बर्नर्ड ने कार्यकारी की प्रमुख भूमिका पर जोर दिया है, जिसमें संगठन के लक्ष्यों को सेट करना, गतिविधियों को समन्वित करना और स्थिरता बनाए रखने का कार्य है। बर्नर्ड इम्फसाइज द की रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव विच हैज द फंक्शन ऑफ सेटिंग द गोल। देखिए, एग्जीक्यूटिव का जो कार्यकारी होता है उसका क्या काम होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि वो क्या करेगा, लक्ष्य सेट करेगा। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लक्ष्य को सेट करेगा। उसके बाद जो भी गतिविधियां हो रही है उस पे वो अपनी नजर रखेगा, ठीक है। और लास्ट में स्थिरता पे बात करेगा, स्टेबिलिटी की कोशिश करेगा। कार्यकारी द्वारा प्रभावी संचार विकल्पी है, जो दृष्टिकोण को स्पष्ट करने, कर्मचारियों की प्रेरित करने और संगठन के उद्देश्यों के साथ समरूप सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज चूजन बाय द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव का क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मेंबर है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और वो टॉप लेवल पे है, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आप सब जानते होंगे कि आपके कोई आसपास में लोग होंगे जो बैंक सेक्टर में होंगे या फिर कंपनीज में होंगे, जो लोग एमबीए करके जाते हैं, तो जब उनका इंटरव्यू होता है ना, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ठीक है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप अपने जो कर्मचारी होते हैं, आप जो आपके जो वर्कर्स होते हैं, उसको आसानी से आप अपना कार्य करवा सकते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्जीक्यूटिव पे। हो जाता है कभी कभी, क्या होता है ना, वी वांट कोई कोई, अब देखिए कल सब मैसेज करेंगे कि कल मेरा नेट खत्म हो गया या फिर मुझे कुछ काम हो गया, तो ऐसा होता है कभी कभी। देखते हैं कि मैं भी, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा होता रहता है। अब वही बच्चे क्या होंगे कि उनको ज्यादा परेशानी हो जाएगी। मान लीजिए आज का क्लास उन्होंने नहीं किया, कल का क्लास करेंगे, अब कल वो बैठ के कल का क्लास करेंगे, आज वाला, उसके बाद कल का क्लास करेंगे, तो उनका नेट फिर खत्म होगा, फिर उनको परेशानी होगी। उसके बाद देखिए, बर्नर्ड के कार्यकारी संतुलन का अवधारणा अधिकारियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संगठन के लक्ष्यों के साथ संतुलन करने की आवश्यकता को महत्वाकांक्षी बनाना है, जिससे समानता और उत्पादक को बढ़ावा बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, ठीक है, कि जो कार्यकारी होगा वो संतुलन बनाएगा। वो क्यों संतुलन बनाएगा, क्योंकि जो मेन गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर सके, हाई कर सके, ठीक है, बढ़ाया जा सके प्रोडक्टिविटी को। तो इसी के लिए वो क्या करेगा कि संतुलन बनाएगा, बैलेंस करेगा, जो भी चीजों की जिसको जरूरत होगी उसको पूरा करेगा, और उसके बाद वो कार्य आसानी से हो पाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लेबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, जो भी सामान की जरूरत पड़ रही है, तो एग्जीक्यूटिव ही लाएगा और वही चेक करेगा कि क्या चीज अभी जरूरत है और क्या चीज जरूरत नहीं है, ठीक है। उनकी अवधारणाओं को समझकर लागू करके आधुनिक संगठन अपने संचार अभ्यासों को सुधार सकते हैं। अब देखिए, जो भी अवधारणाएं हैं
उसको समझकर और लागू करकर जो आधुनिक संगठन है, जो भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है अपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट किस चीज को दी है, कम्युनिकेशन को दी है। ठीक है कि कम्युनिकेशन से ही आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डील कर सकते हो और अपने कंपनी के अंदर भी अपने कर्मचारियों से अपना कार्य आसानी से करवा सकते हो, कर्मचारी भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और आज गतिशील व्यापक वातावरण के अधिक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी जैसे डायनेमिक चीजें चल रही हैं, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि हमेशा दिन पर दिन क्या हो रहा है कि हम लोग डेवलप्ड होते जा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हाँ, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पुराने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सीखने की जरूरत है कि उन्होंने क्या चीजें डेवलप्ड की, कैसे कम्युनिकेशन स्किल का यूज किया। ठीक है कि वो टॉप लेवल पे है और आप अभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ठीक है, सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर? चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कम्युनिकेशन का भी इम्पोर्टेंस है, वैसे ही इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध सूचना प्रणाली और इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। से तात्पर्य उस संरचना से है जो प्रबंधकों को उनकी समस्याओं से अभिज्ञान विश्लेषण समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। जो भी मैनेजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके तहत जो मैनेजर होते हैं उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है कि वो क्या कर सके, किसी भी कार्य को करने से पहले आइडेंटिफाई कर सके, एनालिसिस कर सके, और अगर उनको कोई परेशानी है तो उस परेशानी को सॉल्व कर सके इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में घाटा हो रहा है और वो किस वजह से हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट है जिसके वजह से आप जो भी परेशानी है उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। यह संप्रेषण की यह प्रणाली है जिसमें सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, रखी जाती हैं तथा एक संगठन के नियोजन संचालन तथा नियंत्रण में समृद्ध निर्णय के लिए पुनः उपलब्ध की जाती हैं। अब देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि पहले जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी तरह की को कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, उस मैनेजमेंट का काम ही यही, अगर उस मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये चीज परेशानी है और ये चीज हमारे इंफॉर्मेशन के सही है, वो लोग उसको कलेक्ट करके रखेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उस ऑर्गेनाइजेशन को उस इंफॉर्मेशन की, तो वो उसे प्रदान करेंगे और इससे क्या होगा कि सोल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, ऑपरेट करने में, कंट्रोल करने में आसानी रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस पे मैनेज इंफॉर्मेशनल सिस्टम पे एक जेरोम कांटर करके एक थिंकर है, इन्होंने अपनी राय दी है। वो राय क्या है, प्रबंधन सूचना प्रणाली यह प्रणाली है जो प्रबंधन को निर्णय होने में उनके क्रियान्वयन के तथा नियंत्रण करने में सहायता करती है। इसका ये साफ मतलब है
कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किसी भी सिस्टम में, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए सहायता करती है, ठीक है, या फिर कुछ भी परेशानी हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वो सहायता करती है। उसके बाद और थिंकर आते हैं, देखिए मिस का यहाँ पे मतलब है, एक सेकेंड, हाँ ये मिस का मतलब यही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मैंने शॉर्ट वर्ड में लिखा है। तो प्रोफेसर शू प्र से मिस से आशय यह है कि प्रणाली से एक जिसमें सूचना और समक एकत्रित परिवर्तित था संचारित किए जाते हैं। इसमें यही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन पहले क्या करती है, कि सिस्टम क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और लास्ट में क्या करता है, उस पे काम करने के लिए दे देता है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उस पर डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस में लगाएगा और उसके बाद लास्ट में वो क्या करेगा, उस डाटा को देगा और फिर उससे वो ऑर्गेनाइजेशन आसानी से अपना कार्य कर सकता है, उसको मदद मिलती है, सीधे तरीके में यही। चलिए अब देखिए, प्रबंधक सूचना प्रणाली के तीन महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है यह प्रणाली वस्तुतः ये सिस्टम दिस सिस्टम एक्चुअली प्रोवाइडेड द डिजायर इंफॉर्मेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सो कैन टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन टाइम। प्रबंधक के सभी स्तरों पर वांछित सूचनाएं उत्सुक कराती है जिससे कि वे समय समय पर युक्त निर्णय ले सके। इसमें क्या होता है, पहले तत्व में क्या होता है कि जो ये प्रणाली क्या करती है कि जैसा इंफॉर्मेशन डिजायरेबल इंफॉर्मेशन वो ऑर्गेनाइजेशन को देती है और वो उस लेवल पे देती है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देगी, अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देगी, और इस इंफॉर्मेशन से वो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा क्या होता है, उनके लिए उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सूचना इस प्रणाली का दूसरा तत्व है। सबसे पहले क्या हो गया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और वो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या की, हर लेवल पे इंफॉर्मेशन दी। दूसरे बाद इन्होंने जो सूचना की बात की है, सूचना इनका दूसरा तत्व है, प्रविधित्व और सूचना कहलाते हैं, जिस इस प्रकार कच्चा माल का उत्पादन में विभिन्न प्रविधियां से गुजरने के बाद वस्तु का उत्पादन है परिणाम होता है। इसका यह तात्पर्य है कि क्या होता है कि देखिए इंफॉर्मेशन का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसमें ये लोगों ने लेवल की बात की है कि अगर कोई कच्चा माल है किसी भी तरह का, तो उस कच्चा माल को बनाने के लिए हर लेवल से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी इंफॉर्मेशन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, लेवल वाइज क्या किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है, बताया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसी प्रकार विभिन्न किस्म के जानकारी, मैंने अभी बताया समाचार आंकड़े तथ्य आदि कागजी कार्रवाई को प्रविधि गुजरने के बाद सूचना के परिणत
हो जाते हैं। देखिए वो समय गुजर जाता है, ठीक है, जिस समय वो हो रहा है उसके जब वो गुजर जाता है तो वो क्या बन जाती है, किसी के लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है, किसी भी तरह की जानकारी हो गई, कोई न्यूज रिपोर्ट हो गई, तो ये सब क्या होती है, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह का डाटा होता है, ठीक है, और वो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बताइए एक आम आदमी के लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर कोई इंसान डेटा रख रहा है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए सकता है दूसरों के लिए फायदे का कारण बन जाए। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी इंफॉर्मेशन रख रहे हो, और इंफॉर्मेशन किस चीज की, पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रखेंगे, उसके बाद जो अगल बगल के जो उनके कंपटीटर है उनके बारे में भी रखेंगे, ठीक है। अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है प्रणाली। प्रणाली के चार अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसका मैंने वो नहीं किया है, एक सेकेंड ना, देखिए पहला है प्राविधियन या प्रोसेसिंग, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है फीडबैक या नियंत्रण, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रोसेस होते हैं जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, काम होता है। आउटपुट भी चाहिए होगा, फीडबैक भी चाहिए होगा, कंट्रोल भी चाहिए होगा। ये हम लोगों ने पीछे सारी बातें कर ली है, कंट्रोल के बारे में बात की है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव की बात होती है, गोल्स की बात होती है, तो वो भी क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंस पढ़े, फटाफट बताइए। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ MIS पढ़ेंगे, मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। वर्तमान कंप्यूटर के युग में प्रबंधन सूचना प्रणाली का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जो कम अभी देखिए, अभी क्या है, कंप्यूटर का युग है, हर चीज कंप्यूटर से ही हो जाती है, ऑनलाइन ही हो जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। यह प्रणाली प्रबंधक के सभी लो पर सही गुड पर्याप्त सूचनाएं समक्ष उपलब्ध कराती है। अब ये क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के युग है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक्यूरेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन डेटा हम लोगों को क्या करता है, किसी भी मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए, गूगल से हम लोग हर चीज इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना, इससे निर्णय में बहुत सुविधा होती है। अब मान लीजिए आपके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन है, तो आपको क्या होगा, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, संस्था और लाभान्वित होती है, और साथ में वो उपभोक्ताओं, सरकार, समाज एवं अन्य ब्रह्म पक्षों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को आसानी से निभा सकती है। और एक बात बताइए कि एक तो सबसे पहले है कि वो डिसीजन आसानी से ले सकता है इंफॉर्मेशन के साथ, और दूसरा क्या है कि जो भी संस्थाएं हैं उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है, बेनिफिट्स होगा, और साथ में वो लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सरकार के लिए, सोसाइटी के लिए भी वो अपना दायित्व अच्छे से निभा सकती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो।
तो इन्फॉर्मेशन का बहुत एक बड़ा रोल इन्होंने बताया है। ये क्लियर है? MIS इतना ही था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये मैंने आप सबको बताया कि ये छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज बच्चों थे, आज बच्चे कम आए हैं, वो वीडियोस देख लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करें, उसमें मैरी प्रेकर फॉलेट ने अपना, मान लीजिए कि इन्होंने राय रखी, इन्होंने अपनी चर्चा की है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हितों का संगठन, व्यक्तियों की इच्छाओं और अनुभव को पूरा करने वाली समाधान ढूंढने का प्रोत्साहित करें, केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर ध्यान ना दे। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है बताइए? कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है ना कि कोई जो व्यक्ति है, कोई मैनेजर हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव होगी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बाकी लोगों, बाकी वर्कर्स के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हित होने चाहिए वो संगठन होने चाहिए, ठीक है, कि जो सभी के इच्छाओं के बारे में और सभी के परेशानियों के बारे में समाधान ढूंढना चाहिए और उससे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना केवल किसी व्यक्तिगत आकांक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए। मोनोलाइज्ड द ऑफ इंटरेस्ट इनकरेज फाइंडिंग सोल्यूशन दैट मीट इंडिविजुअल डिजायर एंड एक्सपेरेंसेस रेदर देन फोकसिंग सॉइल ऑन इंडिविजुअल एस्पिरेशन। अब इसमें ये एक चीज बोल, क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो अपने हितों के बारे में सोचते हैं। और आप ही बताइए कि एक मैनेजर से या फिर 10 एग्जीक्यूटिव अगर रख ले, 10 मैनेजर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? नहीं चलेगा। उनको किसको फोकस करना पड़ेगा? तो जो वर्कर्स होते हैं उनको, ठीक है। तो वर्कर्स के हितों के बारे में बात करनी पड़ेगी, वर्कर्स के जो परेशानी होती है उनके बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सहयोगी समस्या समाधान। अब दूसरा क्या है, कोलोबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, विवादित पक्षों के बीच सहयोग और सहयोग को बढ़ावा दे, सहमति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो प्रमोट कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज टू रिसर्च कॉन्सेंसस। इसमें ये बोल रहा है कि सहयोग का भावना हमेशा रखना चाहिए, जो भी दो लोग, क्योंकि पक्षों के बीच में ही विवाद होगा, हो सकता है मैनेजर और वर्कर्स के बीच में विवाद हो जाए, तो उस बेस पे जो लोग होंगे जो सॉल्व कराना चाहेंगे प्रॉब्लम्स, वो क्या करेंगे, दोनों के बीच में वो क्या करना चाहेंगे, कोऑपरेशन लाना चाहेंगे, सहयोग लाना चाहेंगे दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। और इससे क्या होगा कि सहमति प्राप्त करने की उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सहमति हो जाएगी तो विवाद खत्म हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। शक्ति साझा करें, शेयर इन पावर। संघर्ष को रोकने के लिए शक्ति और अधिकार को सभी हितधारकों के बीच साझा करने का प्रोत्साहन करें। अब एक बात बताइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे इन्होंने बात की कि अथॉरिटी को भी, जो पार होता है उसको भी क्या करें, आप जितने भी हितकारी लोग हैं उन सब पे क्या करें, थोड़ा थोड़ा बांटें, ठीक है, साझा करें। कि ये नहीं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छे पद पे हैं तो आप ही के पास सारा पावर है और आपके सिवा कोई भी, तो
उस पावर का यूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। इससे क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न होगा और फिर जो वर्कर्स होंगे वो खुश ना खुश होंगे और काम नहीं करेंगे। अब देखिए, निर्णयात्मक संवाद विभिन्न दृष्टिकोण को समझने और समझौते पर पहुंचने के लिए खुले संवाद और संवाद का महत्व पर जोर दें। एक होता है, अब एक बात बताइए कि इसमें बोला है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स इम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन कम्युनिकेशन डायलॉग्स टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट व्यू पॉइंट एंड रिसर्च एग्रीमेंट। इसमें ये बात हो रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी रूम में बैठक बैठाई जाती है और बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं वही बात करते हैं और वहीं पे वो चीजें सॉल्व कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो उसको क्या करें कि ओपन कम्युनिकेशन करके आप उसको क्या कर दें, सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, उनको किस चीज की परेशानी हो रही है, और आप क्या करें उसका महत्व देके और उस बात को समझने की कोशिश करें, तब जाके कोई भी निर्णय ले, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो चीज रूम में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते हो, वो चीज वो लोग जब वर्कर्स के पास आप जाओगे तो उनकी परेशानियों सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में परेशानी है क्या, ठीक है। उसके बाद आता है समझ के माध्यम से संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग। संघर्षों को समझने और उनके मूल कारणों को समाधान करने के माध्यम से हल करके करने का प्रयास करें, केवल उन्हें दबाने या टालने का नहीं। अब एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि लोगों को दबा देते हैं, या तो किसी एक पार्टी को दबा देंगे और दूसरा नहीं तो बात पे जोर ही नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। इससे क्या हुआ कि अब मान लीजिए आप ही कि आप किसी सिचुएशन में उसको डील ना करके उसको साइड रख दे रहे हैं, तो वो साइड रखे 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 क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जिसके जिसके कारण उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद होना। तो ऐसा ना करें, आप उसी टाइम क्या करें उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और जो रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, किसी कारण की वजह से होता है, तो उस रियल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, ना कि उसे दबाएं, उसे टालें। उसके बाद आता है रचनात्मक समाधान, क्रिएटिव सलूशन। सभी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले नवाचारी समाधान खोजने का प्रोत्साहित करें। Encouraging finding innovative solution that satisfy everyone needs and wants. अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपने आप गए और आप कॉन्फ्लिक्ट को, अभी तक हम क्या समझा कि कॉन्फ्लिक्ट को आप वहां पे जाके समझिए कि रियल प्रॉब्लम क्या है। अब उस रियल प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढे। क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे, कि दो अगर पार्टी से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढिए जिसमें दोनों की फायदा हो, दोनों क्या हो, सेटिस्फाइड हो, ठीक है। किसी के एक साथ भेदभाव ना हो, किसी एक को दबाया ना जाए। तो इससे क्या होगा कि जब दोनों पक्षों को सोल्यूशन मिल जाएगा, दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा, तो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब निरंतर शिक्षा और अनुकूल, संगठनों के संघर्ष अवित्त है और उन्हें प्रणाली ढंग से संभालने के लिए निरंतर शिक्षा और अनुकूलन की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमेशा करना है शिक्षा प्राप्त करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होती है, परिस्थितियां बदलती आती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे, हमेशा स्मूथली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या हमेशा भी किसी भी कार्य में उत्पन्न रहती है। तो उस कार्य
कार्य को करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित है, तो शिक्षा से क्या होगा कि आपको समझ आएगी कि परेशानी है क्या और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनविटेबल एंड इनकरेज द कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन टू हैंडल देम इफेक्टिवली। ये क्लियर हो गया? अब ये लास्ट टॉपिक है, फटाफट बताइए, फिर लास्ट टॉपिक करेंगे। किसी भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अब ये दूसरे थिंकर है, ठीक है, ड्रुकर। अब इन्होंने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जो भी बच्चे बैठे हैं V1 JRF वो अपना काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर जो बैठे हैं वो बताइए कि क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने MBO लिखा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव बाय मैनेजमेंट, कुछ भी। तो इसमें हिंदी में लक्ष्यों के माध्यम से प्रबंधन कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य है उसके माध्यम से आप प्रबंधन कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संगठन या कंपनी में काम करने वाले लोगों के उद्देश्य सेट करने का तरीका बताता है और फिर उनके प्रदर्शन और उनके उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी कंपनी में एक गोल सेट करेंगे, ठीक है, और अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि ये चीज हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, गोल आपने सेट कर लिया, उसके बाद जो भी वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को आप क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, कि आप कैसे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, उनका प्रदर्शन कैसा हो रहा है। तो ये सब कुछ एक होता है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आता है। इनका मकसद है कि कंपनी में हर कर्मचारी को अपने काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तो पता हो। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो टाइम टू टाइम जो मैनेजर्स होते हैं वो बताते हैं। इनका यही मकसद है कि किसी भी मैनेजमेंट में हर एक व्यक्ति को, वर्कर्स हो, मैनेजर हो, कर्मचारी हो, किसी को भी अपना कार्य और अपना लक्ष्य पता हो कि उसको ये कार्य करना है, उन्हें इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब आपको पता है कि आपका गोल क्या है, तो आपको मोटिवेट करना आसान है, और कोई व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि उस गोल क्या है, करना क्या है, तो उसको मोटिवेट कैसे करो। इस तरह का प्रबंधक करने से कंपनी को कामकाज में सुधार होता है और कर्मचारियों का सहयोग बढ़ता है। अब मान लीजिए कि हर व्यक्ति को पता है कंपनी में कि गोल उसका क्या है, आप उस गोल के लिए उसे मोटिवेट कर रहे हो तो उसका काम हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो क्या होगा, जो कार्य में, जो काम है उसमें क्या होगा कि हमेशा सुधार ही करेगा, और जो कर्मचारी है वर्कर्स का वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो वर्कर्स को पता है कि मुझे क्या करना है, तो इससे वर्कर्स को भी सहयोग मिलेगा कंपनी को। अब देखिए, स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है ये जान लीजिए। तो MBO में व्यक्तियों और टीमों के लिए निर्दिष्ट और मापनीय उद्देश्यों को सेट करने का महत्व है। इसका मतलब सीधे जानिए कि इसके तहत क्या होता है कि आपको किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं उनके लक्ष्य को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है,
ऑब्जेक्टिव उनको पता होना चाहिए कि हमें इस प्राप्त करना है, ठीक है, इस कार्य को, इस गोल को अचीव करना है। उसके बाद आता है सहभागी लक्ष्य निर्धारण, पार्टिसिपेट गोल सेटिंग। ड्रकर का मानना था कि देशों के प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि समर्थक और प्रेरणा बनी रहे। पार्टिसिपेट गोल सेटिंग, ड्रकर बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट बाय जॉइंटली बाय द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉइज टू मेंटेन सपोर्ट एंड मोटिवेशन। इसमें इन्होंने एक बात कही है कि जो गोल्स होता है वो दोनों के, जो मैनेजर्स होते हैं और इम्प्लॉयज होते हैं, दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए कोई भी गोल्स को सेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनेजर्स ने अकेले सेट कर दिया क्योंकि काम तो इम्प्लॉयज को ही करना है, तो सब बैठ के और लक्ष्य निर्धारित करें कि इतने समय में हम इतना कार्य कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दबाव नहीं होगा क्योंकि जो इम्प्लॉयज है उन्होंने खुद बोला है कि मैं ये काम इतने समय में कर लूंगा, है ना। चलिए उसके बाद आता है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल में नियमित अवलोकन करना महत्वपूर्ण है। यह मूल्यांकन प्रदर्शन के विरुद्ध और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है और आवश्यक समायोजना करने में सहायक होता है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन, इसमें बोला है कि हमेशा आपको क्या करना है, अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए कि आपने अपने कंपनी में एक गोल सेट कर दिया और अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजर्स को काम करने के लिए दे दिया, लेकिन आपने चेक ही नहीं किया कि आपका कार्य कैसा चल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका कार्य आप कैसा चल रहा है, हो सकता है कि अच्छा चल रहा हो, सकता हो कि गलत चल रहा हो। तो उसमें क्या होता है कि अवलोकन करना जरूरी है हमेशा, ठीक है। इससे जो जो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे वीकर सेक्शन होता है उसको, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए जो अच्छा है उसको आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो वीकर सेक्शन है उसको क्या करना है, आपको सुधारने की जरूरत है और उसमें क्या कमी आ रही है उसको बताइए। तो इससे क्या होगा, फिर से काम अच्छे से चलेगा और आपका गोल आसानी से अचीव होगा। प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण, कर्मचारियों को प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण प्रदान करना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण है ताकि उन्होंने उनके प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिले और उनके उद्देश्य को प्राप्त करने को सहायता मिले। फीडबैक ट्रेनिंग, मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि वो 15 दिन का, 10 दिन का, 30 दिन का, ठीक है, 6 महीने का ट्रेनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बैंक सेक्टर में जाते हो या फिर किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि आप उस कार्य को कर सकें, अपने आप इम्प्रूव कर सके, और साथ में आप जब किसी गोल को अचीव कर लेते हो तो आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपने आसानी से कर लिया या फिर इसलिए ये परेशानियां आई, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरस्कार प्रणाली, अब इसके बारे में बहुत से ऐसे थिंकर जिन्होंने बात की थी, ठीक है, कि पुरस्कार प्रणाली क्या है। तो ड्रंग ने सुझाव दिया कि पुरस्कार प्रोत्साहना को उद्देश्य के सिद्धि से जोड़ना जाना चाहिए ताकि उचित व्यवहार को निर्धारित किया जा सके। तो इन्होंने बोला कि रिवार्ड सिस्टम को सीधे किससे जोड़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से जोड़ना चाहिए, कि उसके बाद यह होगा कि आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आप अगर रिवॉर्ड दोगे तो इंसान आसानी से अपने कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होगा, और प्रोत्साहना किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत आवश्यक चीज है, हम लोगों ने मोटिवेशन में पढ़ा है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, एमबीओ के उद्देश्यों की परिवर्तनशीलता की अनुमति है। यह अनु
आधुनिक परिस्थितियों या संगठन की प्राथमिकताओं के आधार पर उद्देश्यों को समायोजित करने लिए अनुमति देता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा जो स्थिति होती है वो अलग अलग रहती है, कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, तो उस कंडीशन के बेस पर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी क्या होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए। अब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलग ऑब्जेक्टिव होता है हो सकता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का अलग। वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज अलाउड इन एमबीओ, दिस अलाउज ऑब्जेक्टिव इन एडजस्ट बेस ऑफ मॉडर्न कंडीशन ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन अपना उद्देश्य को क्या कर सकती है कि वो निश्चित कर सकती है कि ये मेरा उद्देश्य है। कुल मिलाकर एमबीओ का उद्देश्य व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को समन्वित करना, संचार को सुधारना और कर्मकारियों को प्रेरणा देना है। ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना और साथ में अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना, यही उसका मेन कार्य है। कंप्लीट हो गया? ठीक है, कल से हम लोग यूनिट 5 करेंगे, लेके आइएगा। ठीक है, चलिए, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।